गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल हैं? और आज संडे को भी क्लास लेके कैसा लग रहा है? क्लास ले रहे हो संडे वाले दिन छुट्टी की जगह, कैसा फील हो रहा है? एक सेकेंड, मुझे रिफ़्रेश करने दो। एज यूजुअल रिफ़्रेश करने की और टेलीग्राम पर लिंक भेजने की अभी ज़रूरत है। पहले ये करते हैं, देन उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। हाँ जी, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं आप सभी को? ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट? क्लास स्टार्ट हो गई है ना? बिकॉज मेरे एंड पे दिख नहीं रहा है कि क्लास स्टार्ट हुई है। अच्छा अच्छा, दिख गया दिख गया, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग जिशान, आशु, गौरव, लोन एंड गौरव, सोनू, मोहम्मद, प्रिया, रंजन कुमार, अंशुमन, महेंद्र, गुड इवनिंग धीरज, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो भाई, हाल चाल बढ़िया कि नहीं? चाल का तो पता नहीं, लेकिन हाल तुम्हारे बढ़िया होने चाहिए, है ना? और आज का जो हमारा सेशन है वो है इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, पहली जिस भी क्लास में स्टार्टिंग में मैं फंबल कर देती हूँ वो क्लास हम लोगों के लिए शुभ होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे फंबल स्टार्ट होने वाले हैं। पूरा दिन मुझे कोई फंबल नहीं करती हूँ, मैं आराम से बोलती हूँ, एक दो फंबल करती हूँ पूरे दिन में, लेकिन जैसे ही क्लास आती है पता नहीं सारे के सारे फंबल एक साथ आ जाते हैं। एक तो मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, तो शायद इस वजह से भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, तो आज तुम लोगों को पीडीएफ भी मिल गई है, तुम्हारे अंदर शांति पड़ गई होगी थोड़ी सी। फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस की तुम लोगों को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। कहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है? टेलीग्राम चैनल पर, शीतल शर्मा 01 पर। तो जाके देख लो, प्रिंटेबल है, प्रिंट करा के, और जितना तुमसे पढ़ा जाए उतना पढ़ना। मैं नहीं कहती, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती, क्योंकि आज ही टेलीग्राम पे एक बच्चा बोल रहा था कि मैम बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, क्या क्या पढ़े हम, परेशान हो जाते हैं। तो देखो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप आगे तक के लिए और भी जो एग्जाम होंगे उन सब के लिए मैं एक ही बार में आपको डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ। आप आगे धीरे धीरे करके उसको पढ़ते रहें। अभी जितना होता है अभी उतना कर लो, आगे थोड़ा और पढ़ लेना जब ये याद हो जाए। जितना अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे तो याद हो ही जाएगा। नहीं प्रोवाइड कराऊंगी तो फिर तुम बोलोगे कि मैम इतनी सी पीडीएफ है हमारे पास में। ठीक है, तो आज हमारा डे 16 है। बाकी टीचर्स का डे 16 खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा शुरू हुआ अभी, बिकॉज एक दिन मैंने बीच में क्लास मिस कर दी थी बिकॉज हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो चलो भाई, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। क्या बोलती है पब्लिक, सेशन हो जाए स्टार्ट? अच्छा, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, ये जो ये मेकअप तुम बोल रहे हो ना, फुल मेकअप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती मेकअप, फेस पे तो मैं कुछ लगा ही नहीं सकती, बिकॉज थोड़ा एलर्जिक फेस है मेरा, जल्दी एलर्जी हो जाती है चीज़ों से। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं, मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दे क्यों रही हूँ, आई डोंट नो। क्लास करते हैं आज स्टार्ट। मेरी इज ए 21 डे चैलेंज, इसमें 1000 लकी विनर्स को मिलेगी बुक। तुम लोगों को रट चुका है, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है चैलेंज को। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एग्जामो ऐप डाउनलोड करनी है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है और उन पर कमेंट भी करना है। और तुम लोगों के भाई बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, मेरा दिल तोड़ दिया है, फोड़ दिया है और टुकड़े टुकड़े करके तुमने सड़क पर छोड़ दिया है ना, वाह वाह। तो ऐसा मत करो, कमेंट वगैरह किया करो, मुझे कमेंट तुम लोगों के दिखने चाहिए। अगर नहीं दिखे ना, तो जिसका कमेंट दिखा वो अपना सच्चा दोस्त है, और जिसका कमेंट नहीं दिखा वो बेवफा है। ठीक है, तो क्लास करते हैं स्टार्ट। गला थोड़ा बैकअप कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जिनको थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, तवज्जो वाले हैं, उन सबको हम कवर कर ले। किस किस चीज़ के हैं, ठीक है, फ्रूट्स के मिलेंगे आपको, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम। शेड्यूल आपको पता है 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पूरा टाइट शेड्यूल रहता है। 9 बजे दीपक सर की क्लास होती है, 10 बजे श्रीकांत सर की, उसके बाद में सोनू सर की, देन रेमो सर की क्लास होती है, उसके बाद 7 बजे होती है पूजा मैम की क्लास, 8 बजे होती है मेरी क्लास, उसके बाद 9 बजे होती है राहुल सर की क्लास। तो एक बार क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, सभी को हाय, जितने भी कमेंट्स चल रहे हैं, तो एक बार मेरा मोनोलॉग शुरू हो जाता है ना, तो बस शुरू हो जाता है, फिर मैं कमेंट वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ, बस धड़ाधड़ बोले जा रही हूँ। इनफैक्ट कई बच्चे तो इतने बदतमीज है ना, कमेंट में बोलते हैं कि कितना बोलती है यार ये मैम, मतलब चुप ही नहीं होती है।
लेकिन ये बात सच है, ये मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं क्या करूँ। हाँ इरिटेटिंग नहीं लगता है, तुम लोगों को लगता है, मेरी तो आदत हो गई है, तुम लोगों को लगता है मुझे आदत पड़ चुकी है। तो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड, कैनिस ल्यूपस, एल्फाइडे, नाजा, इक्वस एसिनस या फिर पैंथर पार्डस? आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, आंसर आ रहा है। थैंक यू सो मच शुभम। अच्छा अच्छी है, अच्छी रहनी भी चाहिए। अपनी पर्सनालिटी पे अगर खुद को प्राउड नहीं होगा, खुद खुश नहीं होंगे, तो दुनिया को हम क्या खाक खुश कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे सभी का आंसर आ रहा है, डी एकदम करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि करेक्ट आंसर होगा डी। कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ लिखा आ गया लेपर्ड, तो आपको पता है पैंथर क्या है, पार्डस, पार्डस है, तो ये लेपर्ड का पी ए आर डी पार्ड और पार्डस का पी ए आर डी पार्ड, तो ये इससे आप याद रखना। दूसरा जितने भी आपको टाइगर हो गया, ठीक है, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, इन सबके आगे आपको पैंथर लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक इनकी फैमिली सीरीज है, ठीक है, तो पैंथर लिखा मिलेगा आपको, और पीछे चीजें बदली हुई होंगी, जैसे इसमें लेपर्ड में क्या है, पार्डस है। अगर मैं आपसे पूछूं कैनिस ल्यूपस क्या होगा, तो जल्दी से बताओ कैनिस ल्यूपस क्या होगा। जो ये कैनिस वर्ड होता है ना, ये डॉग और डॉग अलाइक जो फैमिली होती है उसके लिए यूज होता है, तो जल्दी से बताओ कैनिस ल्यूपस, अगर मैं आपसे कहूं तो कैनिस ल्यूपस का क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर करो। कोई बात नहीं सौरभ, आप फिर भी टाइम से आ गए हैं, बहुत अच्छे। विक्रांत ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, वॉल्फ करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहूं एल्फाइडे नाजा, तो किसके पास ना जा, एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक है और उसके पास आपको नहीं जाना है, वो कौन है, वो है कोबरा। तो कोबरा से आपको उसके पास नहीं जाना है, तो नाजा आएगा, तो आपको क्या याद रखना है, कोबरा। एल्फाइडे नाजा मींस कोबरा। फिर आता है एक्वस एसिनस, ये क्या है, ये बेसिकली गधे के बारे में बात हो रही है, एक्वस गधा और घोड़े के आगे यूज होता है, पीछे की चीजें बदल जाती है। एसिनस आएगा तो आपको क्या याद रखना है, एसिनस से ऐसे याद रखना है, यानी कि गधा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्स, लोमड़ी फॉक्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इनमें से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। राधे राधे पुष्पेंद्र जी, अरे नहीं रे बकरी नहीं है। अमन ने आंसर किया है ए। अच्छा ट्रिक बनाते रहो, मुझे लोगों ने भारी मात्रा में रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैम आप ट्रिक मत बनाना, इसीलिए मैं रुकी हुई थी, अपने अंदर का जो ये वो होता है ना आर्टिस्ट, उसको मैंने रोक रखा था कि नहीं अब मैं ट्रिक्स नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे एकदम करेक्ट आंसर है, क्रेजी लाइफ ने आंसर किया है सी, पल्लवी ने आंसर किया है सी, बहुत अच्छे, पुष्पेंद्र ने आंसर किया है सी, एकदम सही, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि डॉग या डॉग अलाइक, तो ये फॉक्स भी उसी टाइप के होते हैं, वोल्फ भी उसी टाइप के होते हैं, और जो आपके क्या बोलते हैं डॉग्स, वो भी उसी टाइप के होते हैं, तो कैनिस उन्हीं के आगे लगता है, और इसको क्या बोलते हैं वोल्फ्स, कैनिस वोल्फ्स फॉक्स के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही हूं, इसमें कोई ट्रिक बनी नहीं है, तो वैसे ही याद रख लेना। अगर मैं आपसे पूछूं ये एसिनॉक्स जुबेटस ये क्या होगा, तो ये होगा आपका चीता, ये चीता का साइंटिफिक नेम है। कॉर्वस अगर आ जाए तो कॉर्वस से क्या याद रखोगे, क्रॉ, ठीक है, सी आर इसमें भी है, सी आर ओ इसमें भी है और इसमें भी है, कॉर्वस से क्या याद रखोगे, क्रॉ। और यहां पर आपको पता है एसिनस से आपको क्या याद रखना है, ए डबल एस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, नीम का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, अषाढ़ी रश्ता, इंडिका या फिर, भाई ये ना बहुत भयंकर भयंकर प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए ना बायोलॉजी ली नहीं स्ट्रीम में, साइंस के स्ट्रीम में बायोलॉजी की तरफ गए नहीं, क्योंकि भयंकर भयंकर नाम होते हैं, कौन पढ़ेगा कौन याद रखेगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, नवनीत ने आंसर किया है ए, शुभज्योति ने आंसर किया है ए, विक्रांत ने आंसर किया है, क्रेजी लाइफ ने आंसर किया है, सत्येंद्र ने आंसर किया है ए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। इसको याद करने के लिए बहुत सुपर ट्रिक तो नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन नीम से याद रख लो कि अगर तुम्हें कड़वा नीम कोई खिलाने आएगा तो आप आजाद होना चाहोगे उसके पास से, और वहां से आप क्या हो जाओगे, भाग जाओगे, ठीक है, वहां से निकल लोगे। तो ऐसे याद रख लेना, आजाद के नाम से याद रख लेना नीम को, कि नीम कोई खिलाने आया तो मुझे आजाद होना है, मुझे उसके पास नहीं रहना। फिर ये आता है एरोमेटिकम,
ठीक है, एरोमेटिकम से क्या याद रखोगे, आपने नाम सुना होगा क्लोव, जो लौंग को कहते हैं, छोटा सा होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ अरोमा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी फ्रेग्रेंस होती है, अगर किसी पुलाव बिरयानी किसी में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा अरोमा आती है, तो एरोमेटिकम से याद रखोगे क्या, क्लोव याद रखना। बाम्बूसा अगर आएगा तो इससे क्या याद रखना है आपको, इससे याद रखना है आपको बैम्बू प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है बाम्बूसा, ठीक है। फिर गोसिपियम हर्बिक्यूम का आपको नाम क्या याद रखना है, कॉटन, ठीक है, कॉटन ग्लोसी ग्लोसी है, उससे याद रखना क्या, गोसिपियम, चमकता है बहुत, व्हाइट व्हाइट होता है, बहुत ही प्यारा सा होता है, तो ग्लोसी से याद रखना, गोसिपियम कॉटन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, आपको लायन का बताना, करेक्ट आंसर क्या होगा, पैंथरा लियो, पैंथर पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस या फिर आर्टियो सर्वाइडे, ठीक है, तो जल्दी से बताओ, ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन हो माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था टाइगर हो गया या फिर लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, तो इन सब के आगे आपको पैंथर तो जरूर देखने को मिलेगा, और लायन है तो आपको क्या याद रखना है, लायन मतलब लियो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए पैंथेरा लियो। आपको पता है पार्डस से क्या याद रखना है, पार्डस से लेपर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। टाइग्रिस है तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है टाइगर होगा, और यहाँ पर है सर्वाइडे, सर्वाइडे, तो इस डे से क्या याद रखना है आपको, डियर याद रखना है, इस डे से क्या याद रखना है, डियर याद रखना है, और यहां पर भी क्या है, डैक है, तो डैक डे क्या है, डियर, ठीक है, इतना अमेजिंग नहीं है लेकिन फिर भी याद करने के लिए काम आ जाएगा, मुझे आ गया, मेरे को क्या है? ये रटे पड़े हैं, तुम लोगों को कराने के लिए इतने मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, इतने मुझे सारे कुछ रट चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, और अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग तो बहुत आराम से कर सकते हो, तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंगो का साइंटिफिक नेम, पायरस मेलस, मैग्नीफेरा, गुआवा वाला, तो जाहिर सी बात है जिसमें गुआवा दिया है वो तो गुआवा के लिए ही होगा, ठीक है, गुआवा के लिए है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, गौरव ने आंसर किया है, बी जिशान ने आंसर किया है, इंडिका शोभित ने आंसर किया है, बी, बिल्कुल सही, करेक्ट क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका, इसको भी कैसे याद रखोगे, मैंगो का मैंग है और मैग्नीफेरा का क्या है, यहाँ पर भी मैग्न है, तो इससे आप याद रख लोगे मैग्नीफेरा का। अगर मैं आपसे पूछूं पायरस मेलस क्या होगा, तो जल्दी से बताओ पायरस मेलस किसका साइंटिफिक नेम है, पायरस मेलस किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये होगा आपका एप्पल, ठीक है। और खाली अगर आपको पायरस पूछता है, मेलस अगर साथ में आया तो होगा एप्पल, पायरस के साथ मेलस आया तो होगा एप्पल, अगर खाली पायरस आया तो आपका होगा पियर, ठीक है। और म्यूक्सा पैराडीसिकम इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, म्यूसा जो डी वाला है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे मधु आदित्य एकदम सही, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बनाना। इसको याद करने के लिए भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको आप वैसे ही याद कर लोगे कि कुछ एक है जिनकी ट्रिक नहीं है उनको वैसे ही आपको याद रह जाएगा, ठीक है, तो याद इसको वैसे ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, आपको मैंने बताया था डॉग या डॉग से सिमिलर दिखने वाले पर्सनैलिटी में जितनी भी चीजें हैं उनके आगे क्या लगता है, उनके आगे लगता है कैनिस, तो जाहिर सी बात है यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। अब एक बात बताओ, ल्यूपस से हमने क्या पढ़ा था, अगर खाली कैनिस ल्यूपस होगा तो क्या होगा वो, तो वो होगा आपका वुल्फ, और अगर इसके साथ फैमिलियरिस आ जाए कि मतलब पूरी फैमिली जितनी भी फैमिली है डॉग अलाइक दिखने वाली जितनी भी पूरी फैमिली है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डॉग बोलेंगे, ठीक है। कैनिस ल्यूपस या फिर फैमिलियरिस, ये दोनों तीनों चीजें साथ में आती है तो वो क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा डॉग, अगर खाली कैनिस ल्यूपस आता है तो होगा वुल्फ, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। अगर बी की बात करूं तो बी क्या है, पेंथेरा टाइग्रिस, तो आपको पता है टाइग्रिस मतलब टाइगर। बायसन बोनासस, ये क्या होगा, दोनों में बी भी आ रहा है तो इससे होगा आपका बफेलो, ठीक है, इससे क्या होगा बफेलो, बफेलो को क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मिल्क के बड़े दाम हाई है तो बफेलो को क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इससे याद रख लेना। और ये एसिनोनिक्स जुबर्टस, इससे आपको याद रखना है चीता, इसकी भी एज सच कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है लेकिन आप इसको अलग से याद रख सकते हो, ठीक है, कि ऐसी ऐसी वो बोलते हैं ना चीता की रफ्तार, तो ऐसी रफ्तार किसकी होती है, चीता की होती है, ठीक है, इतना अमेजिंग नहीं है बट कोई बात नहीं, कुछ तो बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, आपको बताना है हॉर्स यानी कि घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वही है ना, अभी घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, मजनू का जो डायलॉग था, मजनू का डायलॉग था, किसका डायलॉग था, कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लगे हैं, तो घोड़े और गधे दोनों का शुरू होता है एक्वस से, ठीक है, दोनों का शुरू होता है एक्वस से, गधे की बात हो तो एसिनस आ जाता है,
ठीक है, गधे की बात हो तो एसिनस आ जाता है, और घोड़े की बात हो तो क्या, कैलेबस, क्योंकि उसका कैलेबर बहुत हाई है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी हाई है, उसका कैलिबर हाई है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, एक्वस फेरस कैलेबस, या खाली एक्वस कैलेबस भी आ जाएगा तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा हॉर्स। यही पहले वाले का आपको पता है ए डबल एस नाजा, किसके पास नहीं जाना है आपको, आपको नहीं जाना है कोबरा के पास में, क्योंकि वो गेम बजा देगा, ठीक है। उसके बाद डैक डे, डे से क्या बोला मैंने आपको, डियर, किसका साइंटिफिक नेम है ये, डियर का साइंटिफिक नेम है, जब डे और डैक दिख जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। अब ऐसे ही रैपिड फायर चलेगा, फटाफट करके अपने अपने घर चलेंगे, ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि जब तक क्लास एंड हो आप लोगों को ये सब रट जाए बार 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 करके। गुलाटी स्पैम मत करें कुछ भी क्वेश्चन करके स्पैम मत करें, यहां बताओ साइंटिफिक नेम क्या होगा पोटैटो का, जल्दी से बताओ। सौरभ ने आंसर किया है डी, सीमा अग्रवाल ने आंसर किया है डी, विवेकानंद ने आंसर किया है डी, क्रेजी लाइफ इज सेइंग डी, पल्लवी इज सेइंग डी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ट्यूब जितना मोटा है कब हो जाओगे, सम मतलब किसी चीज का जोड़, जोड़ जोड़ के खा खा के पोटैटो, ट्यूब जितने मोटे हो जाओगे कब हो जाओगे, कब हो जाओगे, जब तुम पोटैटो खाओगे, ठीक है, पोटैटो खाओगे। तो यहाँ पर अगर आपको सोलानम ट्यूबरसम, ट्यूब जैसे मोटे फूल जाओ तो किससे फूलोगे, पोटैटो से फूलोगे, इसे याद रख लेना, ठीक है। अनानास, अनानास सेटिवस, जाहिर सी बात है अनानास किसको कहते हैं, पाइनएप्पल को कहते हैं, पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनानास, तो ये तो यहां से आपका क्लिक हो जाएगा, अनानास आया तो मतलब पाइनएप्पल है। फिर आता है रेफनस सेटिवस, तो रेफनस को आर से याद रखेंगे, रेफनस रेडिश, मूली, मूली होती है इंग्लिश में, उसको रेडिश बोलते हैं, तो उसका करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है, रेफनस, तो इसको आर ए रेडिश और रेफनस से याद रख लेना। फिर लेक्टू का सेटिवा, ये क्या होगा, लेटस, लेटस क्या होता है, एक जैसे बंद गोभी टाइप की चीज होती है, ऐसे पत्ते पत्तेदार, अगर किसी ने मैकडी का मैक वेजी खाया है तो उसको पता होगा मैक वेजी में लेटस होता है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे बर्गर में वो डालते हैं ना बीच में हरी हरी पत्तियां टाइप के, तो उसको बोलते हैं लेटस बोलते हैं, ठीक है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं तो हमेशा मैक वेजी खाती हूँ, तो व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपको, इनमें से बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा खाया है, बहुत बेकार होता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो बेकार नहीं लगता, लगता है तुम लोग है ना हरी सब्जियां खाने में बिलीव नहीं करते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ट्रीटिकम। जब भी तुम किसी को ट्रीट देते हो, बर्थडे पार्टी देते हो, तो तुम घर का खाना, रोटियां तो नहीं खिलाते, ठीक है, वीट तो नहीं खिलाते, तो मैंने ये देखो ऐसे ही बना दिया है वीट का, कि यहाँ पर ट्रीट नहीं देंगे वीट की, हम क्या नहीं देंगे, वीट की हम ट्रीट नहीं देंगे, तो वीट और ट्रीट से याद रखना, वीट का क्या होगा ट्रीटिकम। जिया मेज से आपको याद रखना है, मेज यानी कि कॉर्न, ठीक है, तो मेज से याद क्या रखोगे, मेज या कॉर्न याद रखोगे, साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेज का मतलब मेज, ठीक है। एलियम, एलियम से आप क्या याद रखोगे, अलियम से क्या याद रखोगे, अनियन, प्याज याद रखोगे, अलियम अनियन एक जैसे साउंड हो रहे हैं, अलियम अनियन, तो उससे याद रखोगे, अलियम किसका है, अनियन का है। फिर लेक्टू का किसका है, अभी बताया था लेक्टू का होगा आपका लेटस का, ठीक है, मैकवेजी लेटस, तो लेक्टुआ किसका होगा, लेटस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान। ये वो बनियान नहीं है, ये बैनियन ट्री है, ठीक है, बैनियन ट्री है, तो इसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, ठीक है। करक्यूमा लोंगा या फिर अलियम सेटिविट सेटिवम, चलो छोड़ो मैं नहीं बोलती, खावा खाए इसमें इतने सारे मेरे से फंबल हो जाएंगे, तुम लोग बैठ के आराम से हंसोगे, तुम्हें बहाना मिल जाएगा मेरे ऊपर हंसने का। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। आई एम गुड सेगत, हाउ आर यू। ज्योति प्रकाश इज सेइंग डी, लोन इज सेइंग डी, सेनु इज सेइंग डी, सौरभ इज सेइंग फीकस, ठीक है। तो एक ऐसा ट्री है जिसके ऊपर फल नहीं लग रहे हैं, फ्रूट्स नहीं लग रहे हैं, तो वो कैसा ट्री है, फीका है हमारे लिए, कि भाई इसके ऊपर, इस ट्री के ऊपर फ्रूट्स नहीं लग रहे, तो ये कैसा है, फीकस, फीका है हमारे लिए, ठीक है। और बी से कैसा है, बैनियन ट्री, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फीकस बैनियन से याद रखना, बैन, ठीक है, बेंगेलनेसिस का आपको बैन याद रखना है। अब यहाँ बात होती है निकोटीना टोबैकम, तो जाहिर सी बात है टोबैकम बोला है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, किसका साइंटिफिक नेम है ये, टोबैको का साइंटिफिक नेम है। अलियम से अभी याद किया था हमने, अलियम किसके लिए था, जल्दी से बताओ अलियम किसके लिए था। बहुत अच्छे मनु, आप आ गए हैं, तो बस लगता है रौनक आ गई है क्लास में
अलियम किससे होगा? अलियम अनियन सेम साउंड होते हैं, तो अलियम से क्या याद रखोगे? अनियन। फिर करक्यूमा लौंगा, ठीक है, ऐसा क्या है जो क्योर करता है? करक्यूमा से क्योर करने वाली, बहुत लंबी लंबी बीमारियों को भी क्योर करने वाली, बहुत लंबे समय तक आपको क्योर कर सकती है, क्योर मतलब उपाय कर सकती है, वो क्या है? टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी लॉन्ग लाइफ आपको जीनी है, आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है तो टर्मरिक आपको यूज करना पड़ेगा अपने खाने में, हल्दी यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो करक्यूमा लौंगा की बात होगी तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्मरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? आपको बताना है, बहुत ही इजी है, अभी 2-3 बार हम इसको पढ़ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता आपके लिए डिफिकल्ट होना चाहिए। पैंथेरा लियो टाइग्रिस पार्डस बोनेसस। देखो जब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोल रही हूँ तो सिर्फ इसका आंसर मत करो, सबका आंसर करो। और कैसे आंसर करो? जैसे इसमें लियो है तो तुम लियो से जो याद किया है, टाइग्रिस से जो याद किया है, पार्डस से जो याद किया है, तो ऐसे टाइप से याद करो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। तो लियो से क्या होगा यहाँ पर? टाइगर के लिए क्या होगा? टाइग्रिस होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लियो से क्या होगा? लायन का होता है। लियो किसके लिए होगा? लायन के लिए होगा। पार्डस मतलब पार्ड किसके पीछे आता है? लियो पार्ड के पीछे आता है, ठीक है। तो पार्डस पैंथर पार्डस किसका हो गया? लियो पार्ड का हो गया। बायसन बोनस, तो आजकल बोनस किसको मिल रहा है? बफेलो के मिल्क को मिल रहा है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बफेलो होगा, ठीक है, बहुत सारा बोनस मिल रहा है। और यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? टाइगर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो? अभी एक हमने ऑप्शन में ये पढ़ा था, क्रो का मैंने आपको बताया था, सिमिलर टाइप का आपको दिख जाएगा, कर्वस स्प्लेंडेंस, बायसन बोनसस, इक्वस एसिनस या फिर इक्वस फेरस कैलिबस। क्या बात है, बिना फंबल के मैंने चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं, तो अब मेरे कैलिबर पर तुम लोग शक मत करना। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका कॉर्वस। कॉर्वस से क्या याद रखना है? क्रो याद रखना है, कॉर्वस क्रो। बायसन बोनस से आपको क्या याद रखना है? इससे याद रखना है बफेलो। तो ये तो सारे हम ऑलरेडी कर लिया है, इससे आपको AWS यानी कि गधे को याद करना है। और कैलिबस किसका अच्छा है? कैलिबर किसका अच्छा है? वो है आपका हॉर्स का अच्छा है। कैलिबर किसका अच्छा है? हॉर्स का अच्छा है। और यहां करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन? चलो अब तुम्हें यह पता चल गया कि तुम एक एक करके सारे क्वेश्चन के सही जवाब दोगे, लेकिन अब ये याद रखना ऑप्शन में तुमको बहुत सारे, लास्ट तक ऑप्शन में एक दो मैं इंट्रोड्यूस करती रहूंगी नए वाले, ठीक है, नए वाले साइंटिफिक नेम्स आते रहेंगे, कुछ तुम्हारे मिलते जुलते जो करा दिए अभी और नए नए ऐड होते रहेंगे। तो जल्दी से बताओ यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्लवी ने आंसर किया है, बी मनु ने आंसर किया है, ए विवेकानंद ने आंसर किया है, अलियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अलियम केपा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ बोलूं साइडम गोआवा तो तुम्हें पता है कि जाहिर सी बात है गोआवा लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर गोआवा ही होगा। फिर आपको ये बताना है ड्यूकस कैरोटा, ये मैंने अभी तक नहीं करा है, तो बताओ ड्यूकस कैरोटा का क्या मतलब होगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? किसका साइंटिफिक नेम है ड्यूकस कैरोटा? मैग्नीफेरा इंडिका आपको पता है मैंगो का है, मैंगो और मैग्नीफेरा, मैंग दोनों के आगे आता है तो उससे आपको याद हो जाएगा। और जैसे कैरोटा आ रहा है तो जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरेट इसका करेक्ट आंसर होगा। कैरोटा आया तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरेट। अलियम आया तो क्या होगा? अनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना? अभी हमने पढ़ा था कि इसकी मेरे पास एज सच इतनी कोई अच्छी ट्रिक नहीं थी, तो आपको बताना है बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है। और इसी के साथ अब एक अलग आ चुका है इसमें सोलेनम मेलोंगेना, ठीक है, तो ये वाला नहीं किया हमने, ये तुम्हें पता है। मैग्नीफेरा से क्या है? मैंगो। अनानास से क्या है? पाइनएप्पल, क्योंकि हिंदी में अनानास किसको बोलते हैं? पाइनएप्पल को बोलते हैं। फिर यहां पर ये चीज आती है और म्यूसा पेरिडिकम क्या होगा? ये होगा आपका बनाना, ठीक है। तो ये कुछ इसका ट्रिक आप जरूर बनाना, म्यूसा पेरिडिसिकम, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर। और यहां बात हो रही है सी ऑप्शन की, तो कोई बताएगा कि सी ऑप्शन किसका साइंटिफिक नेम है? जल्दी से बताओ सी ऑप्शन। बहुत अच्छे क्रेजी लाइफ ने एकदम करेक्ट आंसर किया है। मेलोंगेना क्या होगा? ब्रिंजल, ब्रिंजल बोल लो इसको, एग प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो कल को एग प्लांट आ गया तो बोला नहीं मैम आपने एग प्लांट का मुझे साइंटिफिक नेम नहीं बताया, ठीक है। तो एग प्लांट बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं। कैसे याद रखोगे इसको? जेना और जल से याद रख लो, ठीक है, इसी टाइप से याद रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैम्बू? ये भी अभी किया है, वैसे भी बहुत ऑब्वियस है, अगर ट्रिक नहीं भी करोगे तो भी पहचान जाओगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंटलम एल्बम फिकस। देखो अब यहाँ एक नया और आ गया साइंटिफिक नेम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया है और ये भी पढ़ लिया है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बैम्बूसा।
बैम्बू क्या है, बैम्बू का साइंटिफिक नेम क्या है, बैम्बूसा आ गया तो करेक्ट हो जाएगा बैम्बू के लिए। निकोटीना टोबैकम किसके लिए हो गया, टोबैको के लिए हो गया, ठीक है, तंबाकू के लिए। फीकस कौन सा ट्री है जो फीका है, कौन सा ट्री है जो फीका है, बैनियन ट्री फीका है क्योंकि इस पे कोई फल तो लगता नहीं है, तो बैनियन ट्री कैसा है, फीका है। और बैन से याद रखना बी ए एन और बी ई एन, ये सिमिलर सिमिलर साउंड होते हैं। फिर सेंतुलम से क्या होगा, संतूर संतूर, ठीक है, सेंतुलम से क्या याद रखोगे, सैंडलवुड, ठीक है, उसके लिए आप सेंतल से संतूर भी याद रख सकते हो और आपको पता है सैंडलवुड यानी कि चंदन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी। अगर हल्दी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, अपने खाने में इंक्लूड करोगे तो तुम्हारी लाइफ कैसी हो सकती है, लॉन्ग लाइफ जी सकते हो तुम, ठीक है, और बहुत सारे क्योर करती है, बहुत सारी बीमारी को क्योर करने की शक्ति रखती है टर्मरिक। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्योर क्यूमा लोंगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, आपकी लाइफ लॉन्ग बनाएगी कौन, टर्मरिक। एलियम से क्या है, एलियम से है हमारा अनियन। और जिंजिबर ये पहली बार आया, एरोमेटिक से हमने याद रखा क्लोव है जो लॉन्ग है, उसकी बहुत ज्यादा अरोमा रहती है तो इसीलिए उसको बिरयानी वगैरह में, पुलाव वगैरह में डालते हैं क्लोव को। फिर जिंजिबर, जो जिंजिबर है ये क्या होगा, जिंजर से होगा, नाम सेम सा लग रहा है ना, जिंजिबर, उससे क्या याद रखना है आपको, जिंजर याद रखना है यानी कि अदरक। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, टर्मरिक का करेक्ट आंसर है करक्यूमा लोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, आपको बताना है ये जो चावल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोलाजिनस कैल्जिन, भाई बहुत भयंकर भयंकर है, तुम्हें पढ़ो इसको, तो राइस का बताना है तुमको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर राइस का, इतना नहीं फंबल पे फंबल, यहां पर बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपको नया देखने को मिला है, ये आपको नया देखने को मिला है, और ये आपको नया देखने को मिला है, जो नया नहीं है उसका तुम्हें पता है ये क्या है, ये अनियन है, ठीक है, ये अनियन है। करेक्ट आंसर क्या होगा राइस का, ये होगा ओरिजा, ठीक है, ओरिज, रिस से याद रखना है, एर आर वाई जेड से राइस याद रखना है, ठीक है, इसको अगर स्पेल करोगे तो राइस ही बोलोगे, तो इसी से याद रखना है आपको क्या, राइस, ठीक है। तो राइस में दोनों चीजें हैं, ओराइजा सैटिवा, ओराइजा गैबलरीमा, ठीक है। यहां पर कोलाजिनस की अगर बात करें, ये क्या होगा आपका, जल्दी से बताओ ये क्या होगा, ये होगा आपका रेड ग्राम बोलते हैं, या इसको पीजन पीज भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं जाके नेट पे देख लेना, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, मुझे भी इतने अच्छे से याद नहीं है, दालों का भी मुझे नाम याद नहीं है, अगर मुझसे कोई पूछे तूर दाल और उसमें, मतलब मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ लेकिन मैं ये नहीं बता सकती ये वाली तूर दाल है, बस मूंग दाल बता सकती हूँ मैं कि ये मूंग दाल है, ये छिलके वाली दाल है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, चना बता सकती हूँ, काबुली चना बता सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं पता है, रेड ग्राम ग्रीन ग्राम ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बता चुकी हो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा टी, बिल्कुल सही है। अरे हाँ, इसका मैंने नहीं बताया, इसका क्या होगा, ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम क्या होता है, तुम्हें से किसी को पता है, ब्लैक ग्राम शायद काले चने होते हैं, राइट, काले चने होते हैं ब्लैक ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने करा दिया है, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने करा दिया है सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बियर, भालू का साइंटिफिक नेम आपको बताना है क्या होगा, कैनिस ल्यूपस, कैनिस वल्प्स, या फिर मस्का डोमेस्टिका, या फिर उर्सी डे कार्निवोरा, आपको बताना है यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो कैनिस से तुम्हें पता है डॉग या डॉग लाइक जो भी होते हैं, जैसे वो नहीं होते डॉग की तरह चार टांगे मुंह भी डॉग जैसा। तो ल्यूपस से हमने क्या पढ़ा था, ल्यूपस से क्या था, वुल्फ थे। वल्प से हमने क्या पढ़ा था, वल्प से थे हमारे फॉक्स, ठीक है, लोमड़ी। और जहां पे भी फैमिलियरिस था, कैनिस फैमिलियरिस था, वो थे डॉग। मस्का डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक, ऐसी जो क्या है, हाउस फ्लाई, डोमेस्टिक मतलब हाउस, और हाउस में कौन सी घूम रही है, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी। तो डोमेस्टिक आएगा तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, मस्का डोमेस्टिका क्या होना चाहिए, मस्का यानी कि बटर के मस्के पे बैठती है कौन, हाउस फ्लाई, मक्खी बैठती है, तो उसे याद रखना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ओर्सी डे कार्निवोरा, आपको ये याद रखना है। इसकी भी मेरे पास में ट्रिक नहीं है, बियर भालू का आपको क्या याद रखना है, ओर्सी डे कार्निवोरा, ठीक है, एक आध का तो ऐसे वैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन, ये भी मैं आपको ऑप्शन में डिस्क्राइब कर चुकी हूं तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। तो जल्दी से बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा,
मैं थोड़ा सांस ले लेती हूँ, मुझे सांस का अभाव हो गया है बीच में, तो जल्दी से बताओ इधर करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने बोला है ए, गलत कर दिया बॉस आपने, मैंने बताया भी था इसमें। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ग्लॉसी। ग्लॉसी होता है, चमकता है एकदम, बहुत ही अच्छा सा होता है ये कपास, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ग्लॉसी पीएम से याद क्या रखोगे कि वाइट वाइट चमकता है, ये ग्लॉसी सा होता है उसे याद रखोगे। ये क्या है? कॉटन है। फीकस से आपको पता है क्या रखना है, कौन सा ट्री है जो फीका है? बैनियन ट्री, ठीक है। और बैनियन का BAN और BEN से भी आपको याद रखना है। आजादी, रश्ता, आप किससे आजाद होना चाहते हो? अगर आपको कोई नीम खिलाता है तो उसके साथ रहने से आप आजाद होना चाहते हो। फिर आता है यहाँ पे फेसिलियस ओसिकस, इसकी मेरे पास ट्रिक नहीं है लेकिन ये पता है ये क्या है, ये है ग्रीन ग्राम, ठीक है। छोलिया टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो? आपको बताना है टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या है। देखो जितने भी अभी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो आपको बताना है मेज से क्या याद रखना था, मेज याद रखना था, मेज से क्या याद रखना था, मेज याद रखना था। और हम क्या कर चुके हैं, मेलोन। जीना से क्या याद रखना, जीना से हम क्या याद रखा था, जल याद रखा था, किसका, ब्रिंजल। एग प्लांट इसका है ये, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब दो चीजें आती है, लाइकोपर्सिकम और एक आता है सिट्रस ओरेंटियम। तो सिट्रस ओरेंटियम क्या होगा, ओरेंट और ऑरेंज सेम साउंड होते हैं, संतरा, यानी कि ऑरेंज और ऑरेंट सेम साउंड होते हैं, तो सिट्रस ओरेंटियम की बात होगी तो ऑरेंज होगा। अगर सिट्रस लाइमन की बात होगी, सिट्रस लिमन की बात होगी तो वो क्या होगा, वो लेमन होगा। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस लिमन। और अगर टोमेटो की बात होगी तो ये क्या होगा, लाइकोपर्सिकम, कि जिन जिन कौन कौन है जो इसको लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइकोपर्सिकम किसका करेक्ट आंसर होगा, टोमेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल? आपको बताना है साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल क्या है। मैंने ऑप्शन में बताया था पायरस मेलस रैलनस सेटिवस, पता नहीं क्या चल रहा है बहुत ज्यादा अजीब। कैप्सिकम फ्रूट सेंस, आपको बताने यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सुयश ने आंसर किया ए, नवनीत ने आंसर किया ए, पारस ने आंसर किया है, सत्येंद्र, अंकित, सीमा, कनिष्का, सौम्या, बहुत अच्छे, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मैं तुमसे पूछूं अगर खाली पायरस आ गया तो क्या बोलोगे, ये किसका साइंटिफिक नेम है, अगर खाली पायरस आ गया ये तुम्हारा करेक्ट है, इसका होगा एप्पल, करेक्ट है। रैल्फनस किसका होगा, ये होगा आपका रेडिश यानी कि मूली का, तो RA, ये भी आप कर लोगे। फिर ट्यूबर, सम ट्यूब की तरह फूल कब जाओगे, जब पोटैटो खाओगे, ये भी हो गया तुम्हारा। फिर कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये बेसिकली आपकी जो एक वाइल्ड चिली होती है, ऐसी होती है वो, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, और रेड कलर की होती है, तो बहुत ज़्यादा वो ज्वलनशील होती है, और कुछ उसका नाम होता है डपेस्कम सॉस बोलते हैं उससे जो बनाया जाता है उसको, काफ़ी स्पाइसी चिली बोला जाता है, ये उसकी होती है। तो कैप्सिकम फ्रूट सेंस अगर आएगा तो वाइल्ड चिली होगा वो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वाइल्ड चिली होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। तो आपको किसके आगे नहीं जाना है, ठीक है, किसके आगे आपको नहीं जाना है वो आपको बताना है। और हाँ, अगर उसमें तुम ये बात करते हो, थैंक यू किस लिए, अच्छा, हाँ, टोबैस्को सॉस, टोबैस्को सॉस, वो टोबैस्को सॉस के लिए यूज होता है, उसमें यूज होता है। और अगर आपसे बोलेगा कैप्सिकम, अब आप बोलोगे मैम कैप्सिकम लिखा हुआ था, लेकिन आंसर ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कैप्सिकम एनुअम बोलेगा तो वो होगा बेल पेपर। बेल पेपर यानी कि आपको पता है रेड बेल पेपर भी होता है, येलो बेल पेपर भी होता है, और ग्रीन वाला होता है उसको बोलते हैं हम कैप्सिकम। यहां बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कोबरा के पास ना जा, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, डी, ना जा से क्या है हमारा, कोबरा। एसिनस से क्या है हमारा, AS। और फेलिस कैटस से क्या है, फेलिस कैटस से बताओ, और कैपरा हिरकस से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, कैपरा हिरकस और कैटस से। हाँ जल्दी ही करा रहे हैं, टाइम थोड़ी ले रहे हैं अब, इससे ज्यादा क्या मतलब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं बीच में स्किप करके,
इससे ज्यादा और उससे उसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारी इस बात का, ठीक है? यही कर सकती हूँ कि मैं इसके बाद सारे क्वेश्चन स्किप करके पहुंच जाऊंगी लास्ट वाले क्वेश्चन पे। बोलो ऐसा करना है तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इतनी मतलब तुम लोगों को कितनी जल्दी है, तुम्हारे पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, मेरा फायदा नहीं है बॉस, तुम्हारा ही फायदा है, लेकिन तुम ऐसे ही कर रहे हो जैसे कुछ मेरा फायदा हो इसमें। नो बॉस, गलत जा रहे हो तुम। और कैपरा हिरकस किससे होगा? गॉड से होगा। इसका देखो मुझे नहीं पता है, कैटस से आप कैट लगा सकते हो, हिरकस से मुझे नहीं पता कि गॉड आप कैसे याद रखोगे, लेकिन याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पांडा? ठीक है, जो पांडा है, पांडा है, जो भी है, उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, ठीक है? एन्यूरा रेनी डे, या फिर एल्यूरपोडा, या फिर जिराफा, या फिर डैक और डे। डैक और डे से तुम्हें क्या याद कराया था? डियर याद कराया था, हिरण याद कराया था। जिराफा से तुम्हें पता है क्या होगा भाई? जिराफ ही होगा, जिराफा से पता है जिराफ होगा। एल्यूरपोडा, पोडा से क्या याद रखना है? पोडा और पांडा याद रखना है। तो एल्यूरपोडा बोलेगा तो क्या याद रखना है? पांडा याद रखना है। और रेनी डे पे कौन निकल के आते हैं? फ्रॉग निकल के आते हैं। रेनी डे होता है तो कौन निकल के आते हैं? मेंढक निकल के आते हैं रेनी डे पे। तो एन्यूरा रेनी डे आएगा तो क्या होगा? फ्रॉग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्लोव? आपको बताना है क्लोव का साइंटिफिक नेम क्या है। क्लोव वही लौंग जो किस में डलता है? बिरयानी में डलता है, पुलाव में डलता है, और क्या देता है? अरोमा देता है, काफी अच्छी अरोमा देता है। थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच। करेक्ट आंसर क्या होगा? एरोमेटिकम, ठीक है, सी आंसर करेक्ट होगा। और तुम ट्रीट किस चीज की नहीं दोगे? ट्रीट किस चीज की नहीं दोगे? वीट की ट्रीट नहीं दोगे। तो वीट से क्या याद रखना है? ट्रीटिकम याद रखना है, ट्रीट याद रखना है। लैक्टुका से क्या याद रखना है? लेटस याद रखना है। लैक्टुका से क्या याद रखना है? लेटस। एरोमेटिकम से हो गया क्लोव। और राइज, यहां लिखा है ना आर वाई जेड, राइज, तो क्या इससे क्या याद रखोगे? राइस है, राइस का क्या होगा? ओरिजा सेटिवा इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट? आपको बताना है हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है। कॉर्वस, मस्का, या फिर एलिफेंडिए। आपको पता है एलिफेंटिडे इसने बोला है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसी में ही दिया हुआ है करेक्ट आंसर क्या है? एलिफेंट करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब बात हो गई, ये तुम्हें पता है कॉर्वस क्या है? कॉर्वस है आपका क्रो, कॉर्वस क्रो सेम सेम है, ठीक है, याद हो जाएंगे। डोमेस्टिक, तुम्हारे यहाँ पर डोमेस्टिक कौन सी चीज आती है? मस्के पे कौन सी चीज आती है? जो ब्रेड पे मस्का लगाते हो, बटर का मस्का लगाते हो, टीचर्स को भी मस्का लगाते हो, तो वो मस्के पे कौन आता है? हाउस फ्लाई आती है। डोमेस्टिक यानी तुम्हारे घर में कौन आती है? हाउस फ्लाई आती है, यानी कि मक्खी आती है। और फॉर्मिसिडाई, ठीक है, फॉर्मिक एसिड से याद रखना है इसको। फॉर्मिसिडे से आपको क्या याद रखना है? ये भूल जाओ, ठीक है, हाइमेनो पेट्रस ये भूल जाओ, फॉर्मिसिडे भूल जाओ। क्या याद रखना है? फॉर्मिक एसिड, वो कहाँ से आता है? फॉर्मिक एसिड जब भी एंट यानी कि चींटी काटती है तो वो क्या करती है? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, राइट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एंट का फॉर्मिसे, ठीक है, फॉर्मिक जहां पे भी दिख जाए, एसिड है, फॉर्मिक एसिड, मतलब क्या होगा करेक्ट आंसर? एंट होगा। और एलिफेंट का करेक्ट आंसर क्या है? सी, एलिफेंटिडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता? आपको बताना है चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? फेलिस कैटस आपको बताया था, इससे क्या याद रखोगे? कैटस का कैट से क्या हो गया? कैट हो गया। बोनस किसको मिल रहा है? बोनस मिल रहा है बफेलो मिल्क के ऊपर, तो बफेलो याद रख लो। बायसन बोनस से क्या याद रखोगे? बफेलो याद रखोगे। ऐसी ऐसी रफ्तार किसकी है? ऐसी रफ्तार किसकी है? चीता की है। ऐसी खतरनाक रफ्तार किसकी है? चीता की है। और क्रोकोडिलिया से क्या होगा आपका? क्रोकोडाइल होगा, ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर चीता का क्या हुआ? सी आंसर यहां पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एंट? अभी ये कराया था तुम्हें, अभी ये कराया था, तो बता दो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। अब इसमें एक नई चीज आई है, लेपोरेडे, ये हमने नहीं किया है, लेपोरेडे हमने नहीं किया है, तो बताओ इसमें एक तो बता दो एंट का क्या आंसर होगा, दूसरा बताना है आपको लेपोरेडे का आंसर क्या होगा। ना जा किसके पास नहीं जाना है? कोबरा के पास नहीं जाना है। पोडा मतलब पांडा, पोडा मतलब क्या? पांडा।
फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड मतलब क्या, एंट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया डी। और लैपरॉयडे का क्या होगा आंसर जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। बिल्कुल सही सीमा, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। आपको बता दूं इसका आपको याद रखने का मुझे नहीं पता है, जो रैबिट है उसका है करेक्ट आंसर, रैबिट का साइंटिफिक नेम है लैपोरेड क्यूनिक्यूलस, ठीक है, क्यूनिक्यूलस, क्यूट होते हैं ये, तो सी यू सी एल किसी से भी याद रख लेना। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इसी के साथ तुमसे एक चीज पूछती हूँ, तुलसी का, तुलसी पता है तुम्हें, तुलसी माता, ठीक है, जो हिंदुइज्म में है उन्हें पता होगा तुलसी माता, और जिन्हें नहीं पता है उनको बता दे कि तुलसी एक टाइप का हर्ब है। तो तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है ये बता दो, तुलसी का साइंटिफिक नेम बता दो फटाफट, तुलसी का साइंटिफिक नेम। बहुत अच्छे, ऑसिमम, बिल्कुल सही, ऑसिमम सैंक्टम, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑसिमम सैंक्टम होगा। इसी के साथ एक और देखो, हमने डॉग के बारे में पढ़ा, कैट के बारे में पढ़ा, लेकिन रैट के बारे में कौन पढ़ेगा, रैट का बता दो, रैट का साइंटिफिक नेम क्या होगा, फटाफट मुझे एक बार दिख जाए। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। मेरा साइंटिफिक नेम है कूल शर्मा, ठीक है, तुम लोगों ने ही दिया है मेरा साइंटिफिक नेम, कूल शर्मा, फंबल मैम, बहुत सारे मेरे साइंटिफिक नेम है, मुझे साइंटिस्ट इसी नाम से बुलाते हैं। रैट का बताओ, बहुत ही मिलता जुलता है रैट का, रैट का बहुत ही मिलता जुलता है, रैटस, ये तो रट जाएगा तुम्हें, रैट का रटेंगे कैसे, रटेंगे रैटस नॉर्वेगियस, ठीक है, ये भूल जाओ, क्या याद रखना है, रैटस याद रखना है। इधर चाहते हो रिवीजन करना चाहते हो 5 मिनट या फिर रैप अप करें, रिवीजन करना चाहते हो या रैप अप करें, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, रिवीजन करोगे, वैसे तो मैंने रिवीजन हर क्वेश्चन में तुम्हारी करा दिया है ना, अच्छा रिवीजन करना चाहते हो, चलो तो फिर हो जाओ तैयार, चलो तो फिर हो जाओ, ठीक है। अब तुमसे पूछती हूँ कैरेट का बताओ। फंसोगे तो बेटा तुम, अब मैं तुमसे साइंटिफिक नेम पूछूंगी, ये नहीं कि मैं तुम्हें साइंटिफिक नेम बताऊंगी, अब मैं तुमसे साइंटिफिक नेम पूछूंगी, अब तुम बोलोगे नो मैम नो हमें नहीं करना। कैरेट का बताओ साइंटिफिक नेम, पीछे का बता दो जिससे मैंने तुम्हें याद कराया वही बता दो। बहुत अच्छे अमित कुमार साहू, एकदम सही ऑप्शन चाहिए, मुझे पता था रो दोगे इसी में, रो दोगे, कैरोटा, वो देखो ना अमित कुमार को देखो याद कराए कैरोटा, ठीक है। और नाजा, चलो ये बता दो नाजा किसके पास नहीं जाना है, किसका साइंटिफिक नेम है नाजा। अपॉइंटमेंट्स मैं कुछ करवा चुकी हूं और दूसरा उसका पार्ट टू भी जल्दी लेके आऊंगी, ठीक है, नाजा किसका है जल्दी बताओ, नाजा किसका है, सांप का नहीं, कोबरा, स्नेक थोड़ी है, कोबरा का है, ठीक है। और एरोमेटिकम, एरोमेटिकम किसका है, एरोमेटिकम अरोमा किस में से आता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बकवास में तो तुम लोग ओलंपिक में गोल्ड जीत के आओगे, अगर बकवास करने का ओलंपिक में कोई कंपटीशन रखे ना तो तुम सब विनर्स हो, मतलब गोल्ड के लिए लड़ाई होगी, इतने सारे मतलब टाई हो गया सब में। लगी हुई है लाइन, इंडिया से आए हुए बहुत सारे लोग, बकवास करने में सबको गोल्ड दो। बहुत सही, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्लो। अगर मैं बोलूं कि पैंथेरा, पैंथेरा लियो किसका है, साइंटिफिक नेम किसका है पैंथेरा लियो, जल्दी से आंसर करो, पैंथेरा लियो किसका है साइंटिफिक नेम। हाँ लोंग में लाची, ये तुमने सिद्ध भी कर दिया कि तुम्हें सीधा गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। मेरी पढ़ाई टॉपिक्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अरे हाँ पीडीएफ मिलेगी आपको शीतल शर्मा 01 पर, यहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रिंटेबल पीडीएफ, और वैसी पीडीएफ भी दे देती हूँ, वैसी पीडीएफ तुम लोगों ने क्लास पीडीएफ के लिए तो
मन उठा दिया है मेरा कि बोल के मैम ये मत दो, प्रिंटेबल पीडीएफ दो, तो लो अब प्रिंटेबल पीडीएफ लो, वो वाली नहीं मिलेगी, क्लास नोट नहीं मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, शीतल शर्मा डी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, वहां पर भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। अच्छा, और ये हो गया बिल्कुल सही लायन और चीता के लिए ऐसी नॉनिक्स, ऐसी रफ्तार किसकी हो, मैंने खुद ही बता दिया चीता के लिए क्या खराब कर दिया। ठीक है, और बोनस से क्या याद रखा था हमने, बोनस से क्या याद रखा था, बायसन बोनसेस, ये किसका साइंटिफिक नेम है जल्दी से बताओ, बायसन बोनसेस, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बफेलो, बफेलो बिल्कुल सही। और ऑसिमम क्या है, ऑसम, ऑसिमम से हमने क्या याद रखा था, ऑसम ऐसी कौन सी चीज है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स में काउंट होती है, कौन सी ऐसी ऑसम हर्ब है, कौन सी ऐसी ऑसम हर्ब है, बिल्कुल सही, ऑसम हर्ब है तुलसी। जो बोल रहे हैं अनियन लगा लो, एक एक चाटा अपने पीठ पे लगाओ, मुंह पे लगाओ, लेकिन एक चाटा लगा लो क्योंकि हो गया गलत, वो है अलियम। अगर मैं पूछूं अलियम से क्या होगा, ऑसिमम है, ऑसम है, तुलसी, लेकिन अलियम है तो क्या होगा, अलियम है किसके साथ साउंड करता है, अनियन के साथ में। वहीं अगर तुम्हें बोलूं मैं ट्यूब जैसे, ट्यूब जैसे, ट्यूबर कम, ट्यूब जैसे कब हो जाओगे, क्या खाओगे तो ट्यूब जैसे हो जाओगे, फूल जाओगे ट्यूब की तरह, क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी बताओ। बहुत अच्छे रोहित सोम्या, एकदम सही, पोटैटो। अच्छा, और लाइक किसको कम करते हो तुम, लाइक को कम करके है जो परसी सीडीएस सीडी कम, पता नहीं क्या नाम है, तो लाइकों से मैंने आपको याद कराया था, लाइक किसको कम करते हो जल्दी से बताओ। अरे नहीं, हल्दी थोड़ी नीम, नहीं नीम से याद रखा था, आजाद होना चाहते हो तुम, नीम से आजाद होना चाहते हो, करेक्ट क्या होगा, जिसने भी बोला टोमेटो बिल्कुल सही है, टोमेटो को लाइक कम करते हैं क्योंकि क्या करते हैं, बर्गर में टोमेटो सूट देते हैं या फिर सिर्फ अनियन डाल देते हैं उसमें, तो इसलिए तुम टोमेटो को कम लाइक करते हो। ओके, और आपसे हाँ, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा किसका है साइंटिफिक नेम, मैग्नीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है जल्दी से बताओ, मैग्नीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है, मैग, मैग से याद रखना है क्या होगा, मैंगो होगा, क्या होगा, मैंगो होगा, बिल्कुल सही। आजाद किससे होना चाहते हो, आजादी रचता इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है, किससे आजाद होना चाहते हो, अगर कोई तुम्हें पकड़ के नीम खिलाएगा तो तुम उस इंसान से आजाद होना चाहते हो, उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहते हो, चाहते हो कि नहीं, ठीक है। और एक्वस कैलिबर, एक्वस कैलिबस अगर आता है, यानी कि किसका कैलिबर ज्यादा है, किसका कैलिबर ज्यादा है, अगर घोड़े और गधे की रेस होगी तो कैलिबर किसका ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है घोड़े का ज्यादा है, हॉर्स करेक्ट आंसर होगा। हाँ, कुछ लगे हैं अपने आप ही मैम, अनानास का होगा, अनानास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अनानास तुम्हें पता है क्या होगा इसका, पाइनएप्पल होगा, अनानास दिया हो तो क्या होगा करेक्ट आंसर, पाइनएप्पल। अच्छा, तो पायरस का क्या होगा, कौन सा रस है जो आप पाना चाहते हो, पायरस, मेलस क्या होगा, और खाली पायरस किसका होगा, तो खाली पायरस होगा आपका पियर का, और पायरस मेलस किसका होगा, एप्पल का होगा, ठीक है। अब बताओ बनाना, बनाना का क्या है भाई, बनाना का क्या है, आगे का वर्ड ही बता दो, बस आगे का वर्ड बता दो, बनाना का क्या था, अब होगी तुम्हारी बोलती बंद, अब बनाना का पूछा है ना तो बहुत कम रिप्लाई आएंगे, बहुत अच्छे सुयश, मतलब तुम लोगों ने आगे निकल गए बहुत, ठीक है। और रैट का क्या था जल्दी से बताओ, रैट का क्या था फटाफट बताओ, रैट का क्या था, रैट का क्या था जल्दी बताओ, रैटस, रैट का क्या था, रैटस बिल्कुल सही, रट्टा, रैटस बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, रेटस हो गया, ठीक है। और क्या बच गया है, रैबिट का बता दो फिर फंसे, रैबिट का बता दो,
इसके बाद में कुछ नहीं पूछा जाएगा, रैबिट का बता दो। रैबिट का क्या होगा आंसर? अब नहीं आएगा किसी का आंसर, शीतल मैम को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्यूट रैबिट, आगे भी कुछ था, लियो से नहीं था, लेपो से था, LEPORADAE, लेपोराइड। ठीक है, लेपो से याद रखना और पीछे कुछ क्यूट से QU से स्टार्ट होता है, तो लेपो से याद रखना। ठीक है, रैबिट का किससे याद रखोगे? लेपो से याद रखोगे। ठीक है, घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या है? अरे हॉर्स का बताया तो, कैलिबस किसका ज्यादा है? कैलिबस है हॉर्स का। अगर एसिनस बोले तो किसका होगा? एसिनस होगा आपका AS, यानी कि गधे का। ठीक है, अब तुम बताओ तुम क्या हो, घोड़े हो कि गधे? ठीक है, तो इसी के साथ क्लास होती है एंड, और ये आज मैं तुम लोगों को बताना भूल गई थी, तो ये तुम्हें अब सुन के जाना पड़ेगा। एग्जामो नाम का सब्सक्रिप्शन है जिसपे मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, पुराने पास्ट वाले भी कोर्सेज, प्रेजेंट भी और आने वाले भी आपको सारे यहाँ पर मिलेंगे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और कोड लगाना है आपको शीतल मैम। और कल किस सब्जेक्ट, कल किस टॉपिक की क्लास होगी ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। ठीक है, लेकिन कल 8 बजे आना जरूर, शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो वाले डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आज आई होप, पहले तो ये बता दो भाई कैसा लगा आपको आज का सेशन, कैसा लगा? याद हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया है, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, और अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ो। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच क्लास।